नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। बाबरी मस्जिद मामले में एक बड़ा फैसला आया है। सभी आरोपी बरी हो चुके हैं। ढांचा विध्वंस सुनियोजित नहीं था। 6 दिसंबर 1992 में अयोध्या में विवादित ढांचा ढहाए जाने के मामले में 28 साल बाद आज फैसला आया है। सीबीआई की विशेष अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है और कहा है कि मस्जिद विध्वंस सुनियोजित नहीं था और इस मामले में पूरी तरह से ठोस सबूत भी नहीं है। जज ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि मस्जिद विध्वंस सुनियोजित नहीं थी। उन्होंने कहा कि नेताओं के भाषण का ऑडियो साफ नहीं है। नेताओं ने भीड़ को रोकने की कोशिश भी की है। जज ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है। उन्होंने कहा कि यह घटना अचानक हुई है। मामले में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह समेत 32 आरोपी थे। आपको बता दें कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी यानी एलके आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, एमएम जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह समेत 6 आरोपियों ने पेशी से छूट मांगी। उमा भारती और कल्याण सिंह कोरोना संक्रमण की वजह से अस्पताल में भर्ती हैं। ये सभी लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट की कार्रवाई में शामिल हुए। वहीं फैसले से पहले अदालत परिसर में त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे में भी लिया गया। उच्च न्यायालय के केसरबाग में स्थित पुराने परिसर में विशेष सीबीआई अदालत के आसपास ज़्यादातर चौराहों पर बैरिगेड्स भी की गई और केसरबाग बस अड्डे की तरफ जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया गया। वहीं आने जाने वाले यातायात पर भी नियंत्रण किया गया। मामले में अभियुक्त के अदालत परिसर में पहुंचना शुरू किया तो मुस्तैद पुलिसकर्मियों ने उनकी समुचित जांच करने के बाद ही उन्हें दाखिल होने दिया। पुलिस आयुक्त सुजीत पांडे भी मौके पर पहुंचकर सुरक्षा बल को बंदोबस्त का जायजा लिया। वहीं फैसला सुनाए जाने से पहले उमा भारती ने कहा कि न्यायालय द्वारा जो भी फैसला आएगा और जो भी सजा मुझे दी जाएगी वह मुझे स्वीकार होगी। वहीं उमा भारती ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखकर यह चुनाव समिति के सदस्य बनने की इच्छा भी जाहिर की, जिसमें उन्होंने लिखा था कि 30 सितंबर को विशेष अदालत द्वारा राम मंदिर मामले में फैसला सुनाया जाएगा और न्यायालय का जो भी फैसला रहेगा वो उन्हें स्वीकार होगा। हालांकि उनको फैसले के दौरान विशेष अदालत में उपस्थित होना था लेकिन स्वास्थ्य कारणों में उपस्थित नहीं हो पाए। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई अदालत के मामले का निपटारा 31 अगस्त तक करने के निर्देश दिए थे लेकिन 22 अगस्त को यह अवधि एक महीने के लिए और बढ़ा दी गई, जिसके बाद इसे 30 सितंबर कर दिया गया था। सीबीआई की विशेष अदालत ने इस मामले में रोजाना सुनवाई की। केंद्रीय एजेंसी सीबीआई ने इस मामले में 351 ग्राहक गवाह और करीबन 600 दस्तावेजी सबूत अदालत में पेश किए। इस मामले में कुल 48 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें से 17 मामले में सुनवाई के दौरान मृत्यु हो चुकी है। इस मामले में अदालत में पेश हुए सभी अभियुक्तों ने अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों को गलत और बेबुनियाद बताते हुए केंद्र की तत्कालीन कांग्रेस सरकार की दुर्भावना के मुकदमे दर्ज किए जाने का आरोप लगाया था। वहीं पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने गत 24 जुलाई को सीबीआई अदालत में दर्ज कराए गए बयान में तमाम आरोपों से इनकार करते हुए कहा था कि वह पूरी तरह से निर्दोष हैं और उन्हें राजनीतिक कारणों से इस मामले में घसीटा गया है। इसमें एक दिन पहले अदालत में अपना बयान दर्ज कराने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी ने भी लगभग ऐसा ही बयान देते हुए खुद को निर्दोष बताया था। वहीं कल्याण सिंह ने गत 13 जुलाई को सीबीआई अदालत में ये बयान दर्ज करवाते हुए कहा था कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने सियासी बदले की भावना से प्रेरित होकर के उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। उन्होंने दावा किया था कि उनकी सरकार ने अयोध्या में मस्जिद की त्रिस्तरीय सुरक्षा सुनिश्चित की थी। इस मामले में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती, विनय कटियार, साध्वी रितंबरा, महंत नित्य गोपाल दास, डॉक्टर राम विलास वेदांती, चंपत राय, महंत धर्मदास, सतीश प्रधान, पवन कुमार पांडे, लल्लू सिंह, प्रकाश शर्मा, विजय बहादुर सिंह, संतोष दुबे, गांधी यादव तथा रामजी गुप्ता, ब्रिजभूषण शरण सिंह, कमलेश त्रिपाठी, रामचंद्र खत्री व जय भगवान गोयल, ओम प्रकाश पांडे, अमरनाथ गोयल, जय भवान सिंह पवैया, महाराज स्वामी साक्षी, विनय कुमार राय, नवीन भाई शुक्ला, आर एन श्रीवास्तव, आर्य धर्मेंद्र देव, सुधीर कुमार कक्कड़ और धर्मेंद्र सिंह गुज्जर आरोपी हैं।
आप देख रहे हैं पल पल की एक खास रिपोर्ट।